अच्छा, जैसे कि ये सारी कंटेस्टेंट्स बता रही थी ना अपने बारे में कि इन्होंने ऐसे शुरू किया, एक्सीडेंटली आ गई मेकअप की फील्ड में, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोग कैसे आए मेकअप की फील्ड में? उमा, तुम कैसे आई? मैंने अपना करियर शुरू किया था एज टीवीसी मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं ऑन लोकेशन मेकअप करती थी। टीवीसी मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी तुम्हें तो पता कैसे चला कि तुम्हारे अंदर ये मेकअप की क्वालिटी है? हाँ, ये बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ये हुआ कि मुझे हेयर कलरिंग और कट का बहुत ज्यादा शौक था। कैसे हुआ शौक? कहीं किसी को देखती थी या क्या? हाँ, मैंने एक्चुअली मेरे अपने बाल जितनी बार मैंने कटवाए बस मैं रोया करती थी, क्योंकि मेरे बाल हमेशा छोटे कट जाते थे और मुझे लेंथ रखने का बहुत शौक। अच्छा, तो मैं सोचती थी यार कभी कोई ऐसा हेयर ड्रेसर हो या ऐसा डिजाइनर हो जो मेरे बालों की लंबाई को रखे और मुझे चेंज कर दे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कोशिश करनी शुरू की। मैंने उस वक्त हमारे टाइम पे तो ये पिन लगता है, जिसको पता नहीं हम कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, पिंटरेस्ट और ये सब चीजें इतनी अवेलेबल नहीं होती थी। तो उस वक्त हमें बात क्या, बिल्कुल नहीं थी ना, यार कुछ तो यूट्यूब था ना, कुछ तो हुआ ये कि उस वक्त ना यूट्यूब था, ना पिंटरेस्ट था, ना गूगल, ना पुगल, कुछ भी नहीं। तो हम एंशिएंट हो लग रहा है, पता नहीं कौन से जमाने की बात है, हजारों के जमाने की। अब ऐसा अच्छा, हमारे जमाने में ये होता था कि हमें बाहर जाके कोर्सेज करने पड़ते थे। पाकिस्तान में उस वक्त कोई इतना वो नहीं था कि लोग आके इन्वेस्ट करें या बड़ी बड़ी कंपनीज आएं और अपनी एकेडमीज खोलें, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं अच्छा एक्चुअली ये था कि मैं जिनके साथ थी, मेरी जो पार्टनर थी वो मॉडल बन गई। उन्होंने ये जो है हमारा क्या है ये मिल्क ब्लू वाला क्या मतलब खैर वो मॉडल क्या नहीं ब्लू वाला के ब्लू वाला क्या तो बहुत कुछ है इसका है। थैंक यू सबा। तो उन वो मॉडल थी, वो मॉडलिंग कर रही थी, मैं उनके साथ चली गई क्योंकि हम दोनों कुछ सीखना चाहते थे लाइफ में। अच्छा, शी वाज एक्चुअली अच्छा, तो आपको ऐसे बाहर जाने का मौका मिला? हाँ, आप उनके साथ उनकी पार्टनर उनकी सहेली बनके आप साथ चली गई। मैंने कहा मुझे शूट देखना है कि कैसे शूट होता है एड। उसने कहा आ जाओ। जब हम वहाँ गए तो उनका मेकअप आर्टिस्ट किया, उस वक्त मेल मेकअप आर्टिस्ट होते थे, कमाल साहब के असिस्टेंट्स होते थे जो कराची में ऑन लोकेशन में होते थे, उनके लोकेशन के बॉयज आते थे और कमाल साहब खुद लुक करके चले जाते थे। अच्छा, उन दिन उनका असिस्टेंट नहीं था। अच्छा, अब मैं जब वहाँ बैठी तो मुझे वो आवाजें देती थी, जरा देखना मेरी आंख, जरा देख लो ये, देख लो। तो अब जो हमें वो कॉम्पैक्ट पकड़ा के गए थे वो हम जाके उसको टचअप करने लगे। दोनों को एक आइडिया आया कि यार ये तो ऑन लोकेशन के लिए खवातीन है ही नहीं कराची में। अब वो पेजर का टाइम था, मोबाइल का टाइम नहीं था। अच्छा, वो जो मेरी पार्टनर थी उनको मेकअप अच्छा करना आता था, साइमा को। अच्छा, खैर उन्होंने फिर जल्दी से हमारे कांटेक्ट बन गए। वहाँ पे जो लोग बैठे थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनसे बातचीत हुई और हमने उनको कहा कि आइंदा हम आपकी प्रोडक्शन के लिए मेकअप करेंगे। खैर जी, उनके साथ मैंने मेकअप किया, कुछ दिनों मैंने उसको असिस्ट किया, उसके बाद मुझे अलग ऐड मिल गए, उसको अलग ऐड मिल गए और बहुत जल्दी, क्योंकि और फिर आप बाहर जाती थी तो आपको सीखने का मौका भी मिल जाता था। बिल्कुल, और उसी में हम हालांकि टीवीसी जो होता है, टीवी कमर्शियल्स के मेकअप का हाथ बहुत सॉफ्ट होता है। आपको मॉडल को बहुत नेचुरल दिखाना होता है, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ दिखाना होता है। तो अच्छा, फिर ये हुआ कि छोटा सा हमने अपने अपार्टमेंट में सलून खोल लिया। सो शी स्टार्टेड, ये देखिए ना, मतलब आपने भी आसमान छूने के लिए जैसे ये सब बता रहे हैं कि हमने अपने घर से शुरू किया। बिल्कुल, सो ये उमा की भी एक कहानी कि उन्होंने अपने घर से शुरू किया। जी, फिर हमने मैगजीन्स के लिए शूट करने शुरू कर दिए। उस वक्त फिर एकदम से ये था कि इतना कंपटीशन नहीं था, तो जल्दी से नाम भी बन गया मार्केट में और फिर हम सब बहुत सारे टीवीसीज के कमर्शियल करने लगे। फिर कुछ अरसे के बाद हमने जाहिर है फिर पाकिस्तानी ब्रांड्स आने लगे, उन्होंने हमें सेलेक्ट किया, हम बाहर गए, हमने बाहर जाके मेकअप सीखा। ये क्रेलॉन की कंपनी जो पाकिस्तान में इतनी कॉमन है, उस वक्त वहाँ से उनके सामान यहाँ पाकिस्तान बड़ा मुश्किल से आता था। फिर हम उनके साथ बर्लिन गए, वहाँ सीखा। अच्छा, जब मैंने सभा को ज्वाइन किया, मैंने कुछ अरसा सभा के साथ भी काम किया, तो मैं जब सभा के पास पहुँची तो मैं उस वक्त तक हेयर डिज़ाइनर का आधा कोर्स कर चुकी थी और मेकअप से मेरा दिल उठ चुका था। तो जब मैं इनके पास पहुँची तो ये उस वक्त ब्राइडल मेकअप, खैर अभी भी बहुत ज़्यादा इनका ब्राइडल मेकअप फेमस था, इनके सलून में धुलनों का मीना बाजार लग जाता था, मारती भर मारती। अच्छा, जब मैं इनके पास पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आज मेकअप का बहुत रश है, आप आके मेकअप करें। अब जब मैं मेकअप करने खड़ी हुई तो मेरा हाथ सॉफ्ट, टीवीसी वाला, मैं मेकअप करूँ और सॉफ्ट लाइनें, सॉफ्ट मेकअप, और माशाल्लाह ये इनके यहाँ जो ये और इनकी असिस्टेंट मुझे देख के हंस रहे। अब मैं यहाँ हंसने से मुराद में बताना ये चाह रही हूँ कि इतनी सारी ब्यूटिशियंस हैं, इन सब के लिए एक मैसेज है कि अगर हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे,
हम आपको जज नहीं करेंगे, हम आपको टिप्स बताएंगे, हम आपको आपको लेट डाउन नहीं करेंगे. आपकी कोई बात देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए फिर आपको उस्ताद बताता है कि आपकी ये गलती है. अच्छा, मेरा हाथ चूंकि टीवी से में बैठा था और सबा बहुत ही ग्लैमरस मेकअप कर रही, लैशेज लगा रही है वो. अब मैंने जब मेकअप किया तो दुल्हन तो लगे बिल्कुल फीका पटवाड़ा और दुल्हन ने रोना शुरू कर दिया. तो ये नहीं, रोना नहीं शुरू किया. अच्छा, ये हंस रही है ना चुपके चुपके, मैं को यहाँ कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं चुप 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 के अच्छा फिर मैंने दो दिन लगाए, फिर मैं सबा के पीछे खड़ी हो गई. मैंने कहा अच्छा जरा देखते हैं भाई क्या हो रहा है. हाँ. और फिर मैंने पिक कर लिया. मैंने कहा अच्छा ये है सीन. सबकी जर्नी होती है. हाँ. सबकी जर्नी.